तो कैसे हो दोस्तों? Dubbed by MD Ansari's The Dubbing Show. तुम डॉक स्ट्रीट और थर्ड एवेन्यू की रहने वाली, तुम शादी के लिए आई हो? बिल्कुल तुम्हें नहीं आना चाहिए, मेरा मतलब तुम्हारी हो भी कैसे सकती है? तुम्हारी शादी होने वाली है, कितने साल टिकेगी? मेरे मंगेतर की नशीली आंखें हैं और वो बहुत रोमांचक बातें करता है और मेरा बहुत ख्याल रखता है। मेरा मंगेतर एक कप्तान है, पूरी दुनिया उसका नाम जानती है। शायद से तुमने मेरे मंगेतर का नाम सुना ही होगा, जैक स्पैरो। वो नामुराद ये सोचता है कि वो हम दोनों से शादी कर लेगा। ये एक लड़की की जिंदगी का सबसे सुनहरा दिन है। साथियों, मेरे भाइयों और उनकी बहनों और जो सबसे मालदार हैं, खासकर वो, मैं पेश करता हूँ ऐसी लड़कियाँ जिन्हें देख के आप पिघल जाएंगे, ऐसी सुंदरता जिनके प्यार में आप पागल हो जाएंगे। किसी लड़की का भी दरवाजा अभी तक टूटा नहीं है, पवित्र जल से भी पवित्र, दिखने में एकदम बुद्धिमान, अंदर से पता नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जय कहाँ है? तो पहली लड़की की बोली शुरू होती है 20 चांदी के सिक्कों से। क्या किसी 20 का? मैं कोई 5? 5? तो फिर 5 ही रहा, मेरे पास अब 5 सिक्के हैं। क्या किसी ने 10 कहा? सारा जमाना इन हसीनों का दीवाना। 20 उस लाल बाल वाले के लिए। क्या कोई 30 लगाएगा? 30 के लिए कोई? 30। 40 के लिए कोई? 40 उस लाल बाल वाले। हटो यहाँ से, तुम्हें देख के तो खड़ा भी बैठ जाए। हमें वो लाल बाल वाली चाहिए। अगर दिखावा ही करना है तो फिर ये लो। 10 उस पीली वाली के लिए। ओ, पीली वाली। 50 उस लाल बाल वाली के लिए। 50। 60 के लिए कोई? 60। 15 वो, मतलब जिसके लाल बाल नहीं है। मेरी हद से ज्यादा कम बोली लगाई जा रही है। 70 उस लाल बाल वाली के लिए। तुम उसकी छोटी और फरेबी अदाओं पे तो नहीं मर रहे हो ना? मैं कोई फरेबी दिखावा नहीं कर रही। ओ, छूट फरेब तो तुम्हारे रग में है। अगर तुमने इससे शादी करने की भूल की तो तुम जिंदगी भर हाथ लाते रह जाओगे। बंदरिया छिपकली। Ansari's The Dubbing Show. जंगली बिल्लियां, मैं बोली लगाता हूँ 200 इन दोनों जोड़ियों की। 225। अब ये इकट्ठा बिकेंगी। 250। 300। 350। हम 400 लगाते हैं। हम? हमारे एक संगठन है। 500। 550। 600। 617। और एक बकरी। नाइजल, तुम्हें वो बकरी पसंद है? तुम्हें तो वो बकरी पसंद थी। और एक बकरी। 700 और 2 बकरियां। 700 और 2 बकरियों में तैरा। 700। हम अमीर हैं, हमारे पास बकरियां हैं। मैं हूँ अमीर, मेरे पास है बकरियाँ। आप लोगों को बता तो ये बहुत अफसोस हो रहा है कि सौदे का दलाल होने के कारण कुछ प्रतिशत पैसे मैं ले लेता हूँ। कितने प्रतिशत? 100%। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम लोगों का मालिक होने के कारण मैं कर सकता हूँ। मेरा कोई मालिक नहीं। हमारा कोई मालिक नहीं। क्या ये बिकाऊ है या नहीं? रुको, अपनी बंदूक के नीचे करो। ये अभी भी मेरी अमानत है, इसका मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे कि अपनी अमानत को ज्यादा फायदे में दोबारा बेचना।
और यह अधिकार नियम के ग्रंथ में लिखा हुआ है। ओए, नियम ही कानून है हमेशा से, और वो शापित हो जाएगा जिसने इसे नकारने की कोशिश की। तो माफी चाहूंगी टोकने के लिए। ये जुराब जो मैंने पहनी है, तुम इसके मालिक हो। बेशक। और अगर मैंने कोई गाना गाया तो वो भी तुम्हारा होगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो अब इसके हकदार बनो। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं रुको, ये बेच दी गई है उस बकरी वाले इंसान को। मैं तो बकरी उधार ली थी। हमें ये नहीं चाहिए, ये अभी भी तुम्हारी है। नहीं, तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, ये सारी फसाद की जड़ बस एक ही इंसान है, जैक स्पैरो। किधर? मुझे यकीन नहीं होता इसने नियम के ग्रंथ को गोली मारी। गोली मारी? कप्तान तीख इसका सर कलम कर देंगे। इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। डरिए मत साथियों, मेरे पास और भी लड़कियां हैं जिनके जलवे देख के अब अपना औजार मलने लग जाएंगे। आराम से आराम। नियम के ग्रंथ को अंदर रख दो और वैश्या को बाहर ले जाओ। अगर किसी ने भी इसके बारे में एक शब्द भी कहा तो मैं उसकी जुबान खींच लूंगा। सर, मैं कसम। मैं कसम। अगली बार मुझे वो मिला तो उस जैक स्पैरो के बच्चे को मैं अपने चाटे से स्वागत करूंगी। मैं भी वही करूंगी। ऐसे नहीं है कि मैं जैक पे भरोसा नहीं करती, पर अगर उसने धोखा देने की कोशिश की तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी नाव से ये निकालने से वो धीमा हो जाएगा। सर, पहली वीडियो हिट होगी पर दूसरी वीडियो में व्यूज नहीं आए, क्या आपने दूसरी देखी? मैंने आपको जवाब दे दिया है। सर, आपने सब्सक्राइब तो किया होगा। मैंने आपको जवाब दे दिया है। पर सर, सब्सक्राइबर तो बढ़े नहीं। सर, मैंने आपको जवाब दे दिया है। और सर, ना ही व्यूज बढ़े हैं। मैंने आपको जवाब दे दिया है भैया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर मारे। और कमेंट करके बताए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को दबा के शेयर करो, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले। और बेल आइकन जरूर दबाइए। मैंने आपको जवाब दे दिया है। अब मैं तो मिली पहली बार रही हूं। मैंने आपको जवाब दे दिया है। कैमरामैन गौरव के साथ एमडी अंसारी, द डबिंग शो, दिल्ली।
chimp, her legs were made of wood. But after we drank, she no longer stank and rather looked.